हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। डू यू नो दैट अगर हम टू डिजिट नंबर लेते हैं और उसके डिजिट्स अगर इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू नंबर फॉर्म होगा और जो ओरिजिनल नंबर है उन दोनों का सम हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। सो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 12। सो अगर इसके हम डिजिट्स इंटरचेंज कर दें, दैट इज़ जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंथ प्लेस पे आ जाए और जो टेंथ प्लेस पे वो यूनिट प्लेस पे, तो न्यू नंबर क्या फॉर्म होगा? 21। अब इन दोनों का सम क्या आएगा? 33। और ये क्या है? 11 से डिविजिबल होगा। अब कोई भी टू डिजिट नंबर ले लीजिए। अब जैसे कि 16 की बात करें तो 16 प्लस इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स तो क्या आ जाएगा? 61। सो इट इज़ 77। इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, 29 प्लस 92, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 121। दैट इज़ डिविजिबल बाय 11। 34, सो इसको इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स तो आएगा 43। सो इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 77। दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। 87 प्लस 78, दैट इज़ नथिंग बट 165। सो दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सो आप कोई भी टू डिजिट नंबर ले लीजिए, जैसे 95, और डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 59 हो जाएगा और इन दोनों का सम क्या आता है? 154। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। सो आप कोई भी टू डिजिट नंबर अगर लेंगे और उसके डिजिट इंटरचेंज करते हैं तो दोनों नंबर का जो सम होगा इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11। ओके, सो अब अगर इन दोनों नंबर्स का अगर हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। अब जैसे 12 एंड 21, सो 21 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 9। ओके, 61 माइनस 16, सो डिफरेंस कितना आएगा? 45। दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। 92 माइनस 29, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 63। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। अब जैसे कि 43 माइनस 34, दैट इज इक्वल्स टू 9। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। 87 माइनस 78, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9। अब जैसे कि 95 माइनस 59, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 36। सो ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी टू डिजिट नंबर लेते हैं और उसके डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं और उनका अगर सम फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा वो 11 से डिविजिबल होगा, और उनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा वो 9 से डिविजिबल होगा। सो अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।